हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी के सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका आज हम डिस्कस करेंगे। सो हियर इज द माई फर्स्ट क्वेश्चन इज मस्टर्ड क्रॉप प्लांटेड एट स्पेसिंग ऑफ 50 x 20 cm विल हैव हाउ मेनी प्लांट पॉपुलेशन। सो तो मस्टर्ड जब स्पेसिंग 50 x 20 की होगी तो इसका फार्मूला होता है 1 हेक्टेयर एरिया अपॉन 10,000। 1 हेक्टेयर एरिया होती है 10,000 m² यूनिट है इसकी एंड स्पेसिंग 50 x 20 दिस इज इन सेंटीमीटर। आई कन्वर्टेड इट इंटू मीटर सो दिस इज इंटू 100 and 100। हेयर वी क्रॉस देन आंसर इज 1 lakh इज द सुटेबल आंसर। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस इज द फर्स्ट आंसर एंड वी आर मूविंग टू आवर सेकेंड क्वेश्चन ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो का ओरिजिन प्लेस जो होता है साउथ अमेरिका, पेरू। एंड थर्ड क्वेश्चन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज बिटवीन। तो किसी भी क्रॉप के लिए जो बेटर टेम्परेचर होता है प्रोडक्शन के लिए वो 24 to 30 इज बेटर फॉर एनी क्रॉप। हेयर क्रॉप इज नॉट स्पेसिफिक, हेयर कौन सी क्रॉप पूछी जा रही है स्पेसिफिक नहीं है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज बिटवीन 24 to 30 degrees Celsius। मूविंग आवर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वीट एंड क्रॉप इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर वीट और क्रॉप का जो करेक्टली मैच नहीं है। तो स्ट्राइगा का जो है सोरघम ये सही मैच है, पेरिस्टिक वीट है। एंड कसकुटा लूसर ये भी सही है। ओरा बैंकी हेयर इज टोबैको दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एंड टाइफा, टाइफा इज नॉट फॉर शुगर केन इट इज फॉर टी। सो ऑप्शन फोर्थ इज, ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। सो आंसर इज सी। मूविंग टू आर फिफ्थ क्वेश्चन शुगर केन क्रॉप रिक्वायर मैक्सिमम वाटर एट। शुगर केन क्रॉप होती है इसे मैक्सिमम वाटर कब रिक्वायरमेंट होती है, जर्मिनेशन स्टेज, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, ऑल ऑफ दीज। तो जो ग्रैंड ग्रोथ स्टेज होती है यहाँ पे शुगर केन सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम मैक्सिमम वाटर होल्डिंग स्टेज भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज, ऑप्शन बी इज राइट। मूविंग टुवर्ड्स सिक्स क्वेश्चन बल्ले रेप एंड कॉटन आर। जो बल्ले रेप कॉटन है ये किस तरह के साल्ट टोलेंट क्रॉप है। तो ये हैं हाई साल्ट टोलेंट क्रॉप। हेयर ऑप्शन इज हाई, लो, मीडियम एंड ऑल ऑफ अबव। सो बल्ले इज हाई टोलेंट टू साल्ट एंड टोलेंट टू एसिडिटी, सैलिनिटी एंड अदर फ्रॉस्ट सिचुएशन। सो बल्ले इज वेरी एडवर्स क्लाइमेटिक क्रॉप, इट कैन ग्रो एवरीवेयर। मूविंग टुवर्ड सेवंथ क्वेश्चन द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ऑफ सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप। जो टेम्परेचर रेंज होती है सोइंग की व्हीट के लिए वो 15 to 20 degrees Celsius, 10 to 15 degrees Celsius, 20 to 25 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius। सो अगर वेजिटेटिव ग्रोथ पूछा जाता तो 15 to 20 degrees Celsius सही होता। हेयर इज ऑप्शन इफ वेजिटेटिव ग्रोथ, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ पूछा जाता तो 15 to 20 degrees Celsius टेम्परेचर सही होता। दिस इज फॉर ऑप्टिमम रेंज ऑफ सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप, सोइंग के लिए पूछ रहा है तो 20 to 25 degrees Celsius इज बेटर फॉर सोइंग। एंड मेनी टाइम्स इट आस्क्ड व्हाट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर व्हीट। तो बेस्ट टेम्परेचर जो व्हीट का होता है वो 4 degrees Celsius होता है। राइस का 10 degrees Celsius होता है। पर्लमेट का भी पूछा जाता है तो इसका भी 10 degrees Celsius होता है बेस्ट टेम्परेचर। एंड मूविंग टू आर्ट एट्थ क्वेश्चन अड़तालीस शुगर केन प्लांटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। अड़तालीस शुगर केन जो प्लांट की जाती है वो जुलाई में प्लांट की जाती है। अड़तालीस शुगर केन हियर इज द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इज 6 months, देन इज नोन एज अड़ताली क्रॉप। चिप्सोना इज ए वरायटी ऑफ, जो चिप्सोना है वरायटी जो है पोटैटो की है। ये चिप्स बनाने के लिए फॉर द चिप्सोना। एंड मूविंग टू आर टेंथ क्वेश्चन पूसा बोल्ड की वरायटी ऑफ, जो पूसा बोल्ड है हियर इज टू ऑप्शन पूसा बोल्ड एंड पूसा गोल्ड। सो पूसा गोल्ड इज वरायटी ऑफ व्हीट एंड पूसा बोल्ड इज वरायटी ऑफ मस्टर्ड। सो दिस टू ऑप्शन इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड द क्वेश्चन इज आर वेरी कंफ्यूजिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम हाइब्रिड वरायटी इन कॉटन वाज इन्वॉल्व इन, जो हाइब्रिड कॉटन था फर्स्ट टाइम वो किस कंट्री ने बनाया था। तो इंडिया ने, सी टी पटेल ने बनाया था, सी टी पटेल 1917 में। H4 जो वरायटी है H4 है कॉटन की। एंड मूविंग टू आर 13 क्वेश्चन विच इज ए C4 प्लांट, कौन सा C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट इज शुगर केन इज C4 प्लांट एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट दैट इज C3, C4 एंड कैम। कैम आर एरिड, जो एरिड में होते हैं मोस्टली राजस्थान में, इन्हें का ट्रांसपरेशन रेट बहुत हाई होता है। ये कैम प्लांट में आते हैं। C4 प्लांट जिनकी लीफ लॉन्गर होती है, स्टेम मोटा होते हैं। सो दिस इज C4 प्लांट एंड C3 प्लांट आर
T3 प्लांट आर वेरी शॉर्ट होते हैं और उनका रिस्पायरेशन रेट हाई होता है, फोटोसिंथेटिक रेट जो हाई होता है वो सीपर प्लांट में होता है। मूविंग टू आर 14 क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड, जो व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम स्पाइक कहते हैं। हेड समटाइम इज नोन एज हेड, सो दीज टू ऑप्शन आर कन्फ्यूजिंग, हेड इज इन केस ऑफ बर्ले, कॉब इन केस ऑफ मेज एंड पेनकल इन केस ऑफ राइस। कॉटन इज सुसेप्टेबल टू, जो कॉटन होता है सुसेप्टेबल होता है 240 के लिए, 240। बेसानिन इज द नोन आर ट्रेनिमा फ्लू क्लोरेलिन, इट इज ए PPI प्री प्लांट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज्ड बिफोर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप एंड वीड। डायूरान इज ए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, देयर आर थ्री नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, GDP, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट एंड पैराक्वाट। नो सॉरी दिस इज डायूरान, सो वी आर सॉरी दैट फॉर द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सुगर केन, जो सुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम एरो कहते हैं। द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया अमंग सीरियल, जो इंडिया में कौन सी क्रॉप सीरियल जो सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड होती है, तो इंडिया में राइस होती है। इफ इन इट ट्रैक्स इट वर्ल्ड ग्लोबली देन इट वीट, एंड बर्ले इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन राइस इन इंडिया, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ले है, नो सॉरी फादर, बर्ले जो फोर्थ इंपॉर्टेंट इंडिया में है, ग्लोबली है फोर्थ इंपॉर्टेंट और इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेवंथ है, सेवंथ। मेंशन द रबी सीजन पल्सेस, जो रबी सीजन पल्सेस है तो रबी सीजन पल्सेस ओनली वन हेयर शोइंग इज चिकपी, इस साइंटिफिक नेम सीसर इरिटेनम, फैमिली फेबेसी, रेड ग्राम एंड PNP आर सेम नेम, एंड ग्रीन ग्राम इन्होंने विंगा मुंगो, ग्रीन ग्राम इन्होंने विंगा रेडियाटा। सुगर केन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप इन द कंट्री, सुगर केन जो होती है इंडस्ट्रियल क्रॉप में फर्स्ट रैंक है इसका। वीट इज ए शॉर्ट डे प्लांट, सो एंड ए न्यूट्रल प्लांट हैविंग 21 क्वेश्चन। ड्यूरेशन ऑफ CRI स्टेज इन वीट, CRI स्टेज जो वीट में होती है वो 20 से 25 दिन आफ्टर एग्जैक्ट 21 डेज, CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, दिस इज द इरीगेशन स्टेज, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन बर्ले, बर्ले में सबसे क्रिटिकल स्टेज जो होती है टिलरिंग होती है CRI वीट पे होती है। एंड द बर्ले क्रॉप नीड्स, जो बर्ले क्रॉप का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ऑप्शन फर्स्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट इन सनफ्लावर, जो सनफ्लावर में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो एग्जैक्टली ऑप्शन इज नॉट, सो यू कैन चेक फ्रॉम एनीवेयर। बाय प्रोडक्ट ऑफ सुगर केन इज नोन एज ऑल ऑफ दीज, जो बाय प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सक्रेटा होते हैं इस तरह से, बाय प्रोडक्ट जो अदर मेन प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट निकलते हैं उन्हें बाय प्रोडक्ट कहते हैं, स्पेंटवास, मोलेसेस एंड बैगेसेस, सो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। सो वी आर मूविंग टू आवर अदर क्वेश्चन, हियर इज 5 क्वेश्चन विच वी सी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ मार्कोनी विच इज ट्रिटिकम ड्यूरम, इट इज ए टेट्राप्लॉयड, 2N इज इक्वल टू 28। सो सोनालिका इज ए वैरायटी, सोनालिका इज ए सिंगल जीन, सोनालिका इज ए सिंगल जीन वैरायटी, सिंगल जीन वैरायटी। ड्वार्फिंग जीन ऑफ व्हीट इज ड्यू टू नोरिन 10, ड्वार्फिंग जीन ओरिजिन प्लेस ऑफ बर्ले, तो बर्ले का ओरिजिन प्लेस है अकॉर्डिंग टू वेविलो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड एब्सीनिया रीजन है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन टुडे सेशन, बॉटनिकल नेम ऑफ चिकपी, चिकपी का बॉटनिकल नेम है वो सीसर एरिटेनम है। ओके थैंक्स फॉर गाइस, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ विच पुट इन योर एग्जाम्स। Thanks.